अब दूसरा दृश्य क्या है, जब मूर्ति उसको गौरैया को दोबारा रोकती है, देखो कहते राजकुमार क्या कहते हैं, दूर एक सीली हुई कोठरी में मुझे एक तरुण कलाकार दिख रहा है। वह अपनी कागजों से लदी मेज पर झुका है और उसके बगल में एक पात्र में रखे हुए फूल लगे हैं। पात्र यानी बक्सा सा होता है ना, एक दान पात्र जी जिसे कहते हैं मैम, वो। उसके बाल भूरे और सुनहले हैं, उसके होठ अनार के फूलों की तरह लाल हैं, उसकी आंखें बड़ी सपनीली हैं। वह रंगमंच के लिए नया नाटक लिख रहा है, मगर ठंड के कारण उसकी उंगलियां नहीं चल रही, अंगीठी में एक भी कोयला नहीं है और भूख से उसकी आंखों में सपने टूट रहे हैं। क्या दृश्य है दूसरा? मैं मुझे लगता है बहुत नाटक क्या लिख रहे हैं? नाटक नाटक लिख रहे हैं। रंगमंच क्या होता है? जिस पर नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं, स्टेज। ठीक है, रंगमंच किसे कहते हैं? स्टेज को, नाटक जिसपे नाटक आपके सामने दर्शाए जाते हैं, रंगमंच उसे कहते हैं। मगर ठंड के कारण उसकी उंगलियां नहीं चल रही हैं और भूख भी उसको लग रही है। मिस में सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, कल मेरे सब साथी दूसरे प्रताप तक उड़ जाएंगे, जहां नरकूल की झाड़ियों में क्या होता है, दरियाई घोड़े सोते हैं। वो कहती है कि मैं नहीं रुक सकती, गौरैया कहती है मुझे नहीं रुकना, मेरे साथी और आगे बढ़ जाएंगे। पर क्या होता है, भोर का तारा जब डूबने लगता है तो वह खुशी से चीख पड़ता है, फिर चुप हो जाता है। दोपहर का समय, वह जब वो उस बच्चे की, सॉरी उस लड़के की बात बताते हैं, ठीक है ना, मूर्ति जब गौरैया को उस लड़के की बात बताती है तो गौरैया क्या कहती है, मैं सिर्फ आज रात के लिए रुकूंगी। क्या कहती है? मैं बस आज रात के लिए रुकूंगी। देखो अब क्या होता है, दूसरा दृश्य ये याद रखना। वो कहती है, क्या दूसरा लाल उसे दे आऊं, गौरैया ने पूछा। अफसोस, मेरे पास अब कोई दूसरा लाल नहीं है। अब क्या उसके पास एक ही तो लाल था जो उसकी तलवार की मोट में लगा था, अब क्या बचा उसके पास? ठीक है, वेरी गुड। मेरे पास अब कोई दूसरा लाल नहीं है, मेरे पास मेरी आंखें हैं जो नीलम से बनी हैं, जो हजारों वर्ष पहले भारत से लाए गए थे। यानी आपको अंदाजा हो रहा है कहाँ की कहानी हो सकती है, भारत की या विदेश की? भारत भारत की। देखो ये क्या बोल रहे हैं, हजारों वर्ष पहले जो नीलम भारत से लाए गए थे, कौन ले गया था भारत से? और भाई इसके लेखक भी तो कौन है, अंग्रेजी लेखक है ना। एक निकाल कर उसे दे आओ, उस बेचारे का ईंधन और खाना खरीद लेगा। क्या खरीद लेगा? जलाने के लिए कोयले और खाना खरीद लेगा। प्यारे राजकुमार, गौरैया ने सिसकते हुए कहा, यह तो मुझसे नहीं हो पाएगा, फूट फूट कर रोने लगी। वो कहता है, रो मत, ठीक है ना, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। राजकुमार ये बात गौरैया से कहता है। गौरैया ने उसकी आंखों का नीलम निकाल लिया और कोठरी की ओर उड़ चली। एक छेद से वह अंदर घुस गई। कलाकार सिर झुकाए बैठा था, अंततः उसने उसके पंखों की आवाज नहीं सुनी। जब उसने सिर उठाया तो देखा कि मुरझाए हुए फूलों पर बड़ा सा नीलम रखा है। ठीक है, गौरैया ने क्या करा, उसको नीलम उसके फूलों पर रखी जाती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? लाल किसके पास गया अगर आपसे पूछा जाए तो? और एक आंख का नीलम किसके पास गया? केवल अभी एक गए, उस लड़के के पास जो नाटककार है, जो नाटक लिख रहा है, रंगमंच लिख रहा है। ठीक है, और वो क्या सोचता है कि मालूम होता है मेरा मोल लोग आंक रहे हैं, यानी लोगों को पता चल रहा है कि मेरी भी कोई वैल्यू है। यह शायद किसी बड़े भारी प्रशंसक ने भेजा है, अब मैं अपना नाटक समाप्त कर लूंगा। और इसी आशा में वो क्या कहते हैं कि मैं अपना नाटक समाप्त कर लूंगा, जब वो जो नीलम है उसको देखते हैं। गौरैया बादशाह की ओर जाकर एक जहाज के मस्तूल पर बैठ गई। वह कुछ मजदूर अपने सिर
सीने पर रस्सियां बांधे नाव खींच रहे थे। जब चांद उगा तो वह राजकुमार के पास आकर बोली, मैं तुमसे विदा मांगने आई हूं। अब राजकुमार क्या कहते हैं कि आज रात को और नहीं ठहरोगी। तीसरा दिन आ गया ये, ठीक है। अब तीसरा दृश्य आएगा। अब जाड़ा पड़ने लगा है मिस्र में, हरे भरे खजूर के कुंजों पर गर्म धूप छाई होगी। कुंज किसे कहते हैं? लताओं आदि से घिरा या ढका हुआ स्थान।